कर्ज माफी नहीं होने व भारी बारिश से फसल खराब होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मदद नहीं करने का आरोप लगाते हुए राव भाजपाइयों ने कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया। राव के किसानों की परेशानियों के हल करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता वधु वर्मा हजारों किसानों को लेकर कलेक्टर ऑफिस का घेराव करने पहुंचे। वर्मा ने बारिश के बाद फसल खराब होने पर मध्य प्रदेश सरकार पर मदद न करने का आरोप लगाया। पूरे प्रदेश के अंदर आज तक अभी तक माननीय कमलनाथ ने कभी किसी को सर्वे के लिए नहीं भेजा है, ना किसी मंत्री को प्रदेश के प्रभारियों को भेजा है कि जाकर के देखें कि वहां पर किस तरह की स्थिति है। आज हम लोग जो है सारे किसान राव विधानसभा के सारे लोग आज कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देने जा रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ तुरंत राव विधानसभा के अंदर सर्वे कराएं, किसानों को मुआवजा बनाएं और मुआवजा तुरंत मिले। वर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार को 8 महीने से अधिक हो गए हैं, लेकिन किसानों की कर्ज माफी नहीं की गई है। किसानों की कोई सूद लेने वाला कोई नहीं है और क्षेत्रीय विधायक मंत्री जीतू पटवारी लंदन घूम रहे हैं। हालांकि बारिश से किसान परेशान हैं, अब वर्मा ने चुनौती दी है कि जल समस्या का हल नहीं होगा तो मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा।